हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसे हम बहुत ही इजी और बेसिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल SGS लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कविता परचेज फैब्रिक वर्थ ₹800 फॉर अ ड्रेस एंड स्पेंड ₹350 ऑन एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग। इफ शी सोल्ड द ड्रेस एट 20% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि उसने एक कपड़ा खरीदा है कितने रुपये में, ₹800 में। उसने क्या खरीदा है, एक कपड़ा खरीदा है, ठीक है, फैब्रिक खरीदा है। उसके ऊपर उसने कुछ उसकी ड्रेस बनाई है, ठीक है, उसकी ड्रेस बनाई है। सबसे पहले हमने एक रॉ कपड़ा खरीद के लाया है ₹800 में, फिर उसमें हमने क्या किया, उसका ड्रेस बनाया है और उस पर हमने क्या किया है, एम्ब्रॉयडरी किया है, स्टिचिंग किया है। उसके लिए कितना खर्चा हुआ है, उसके लिए ₹350 उसमें खर्चा हुआ है। अब आप देखेंगे कि एक पूरी ड्रेस बनने के लिए हमें कितना रुपये खर्च हुआ, ₹800 प्लस ₹350, ठीक है, ₹800 प्लस ₹350 हमें क्या लगा है, एक ड्रेस बनाने का खर्चा आया है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, 20% प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें CP की आवश्यकता पड़ेगी। तो CP कैसे निकलेगा, देखिए, जो ड्रेस को बनाने के लिए जो कीमत लगी है दोनों मिलाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा CP आएगा। तो देखिए, एक ड्रेस बनाने के लिए कितना लगा, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना लगा। सबसे पहले ₹800 का हमने क्या खरीदा, ₹800 का हमने एक कपड़ा खरीदा और उसमें ₹350 की उसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग की। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 0, 5 और 1100, ठीक है, 1150 रुपीज़ में हमने क्या खरीदा है, हमने एक ड्रेस को बना लिया है, ठीक है, ₹1150 में हमने क्या कर दिया, एक ड्रेस को बना लिया। अब देखिए, ये ₹1150 क्या है, ये ₹1150 हमारी CP है, ठीक है, CP है। तो ये देखिए, CP हमेशा कितना होता है, CP हमेशा 100% होता है। आप ये बात याद रखिए कि हमेशा जो CP होगा वो हमारा 100% होगा। अब देखिए, इफ़ शी सोल्ड ड्रेस एट 20% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस इज। अब देखिए, इसके ऊपर हमें क्या करना है, 20% बढ़ाकर उसके ऊपर लगाना ही है। तो आप एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं कि इसका 20% निकाल कर इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसमें 120% इसका ले सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार लेंगे, तो देखिए CP हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो देखिए, 1150 ये कितना होगा, 100 के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। और हमें प्रॉफिट निकालना कितने परसेंट का, 20%, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x दे देंगे कि यहाँ पर हमारा एकदम सिंपल कैलकुलेशन आ चुकी है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1150 × 120, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ पर x रहेगा, देखिए यहाँ पर ये x रहेगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इंटू 100 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टेप ये हमारी आ जाएगी, फिर उसके बाद की स्टेप में देखेंगे कितना होगा, कि जो 100 है ये नीचे चले जाएगा इसके, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम उसे लिख देते हैं, देखिए 100 डिवाइड में चले जाएगा और इज इक्वल टू हमारा एक्स रहा। अब सबसे पहले हम 0 0 कैंसिल कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ का एक 0, यहाँ का एक 0। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। अब देखिए, हमें x की वैल्यू कितनी आनी है, 115 × 12, ठीक है, 115 × 12। अब हम इसे सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए 115 × 12, तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 12 का टेबल हम यूज़ करेंगे, 12 5 कितना था, 60 होता है, तो 0, 6 कैरी, 12 1 12 और ये 6 यानी 18 और यहाँ पर 1, और देखिए कितना हो जाएगा, 12 1 12 और ये 1 यानी 30। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, 1380 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा, इस ड्रेस की SP हो जाएगी। अगर 1380 रुपये में अगर हम ये ड्रेस को बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल ली।
दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें हमने एसपी की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल एसडीएस लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।